Papelbas. De Kauna. Mene hi de Kaunga. P.U.C. please. Mene hi de Kaunga. Idiot. Papelbas show. Tu jai ta go. तो जी हाँ गाइस, M249 बफ हो चुका है। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये है M249 विथ न्यू अटैचमेंट्स एंड अदर थिंग। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं शूट तो कर पा रहा हूँ टारगेट पे, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि इसका रिकॉइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका डैमेज बहुत कम हो चुका है। M4 के माफे भी बहुत कम लग रहा था मुझे, मैं TDM खेल रहा था। तो आप जैसे देख सकते हो मैं 6x को पूरा स्प्रे मार रहा हूँ यहाँ पे, 6x इसको कि M249 जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम विदाउट रिकॉयल जैसा नहीं है ये। मतलब बहुत ही कमज़ोर वर्जन ऑफ M249 मुझे लगा है। 150 MOs, अब जैसे देख सकते हो स्क्रीन में, मैंने यहाँ पे M249 उठा लिया। इसमें आप स्टॉक लगा सकते हो। जी हाँ गाइस, आपको एक स्टॉक लगाना पड़ेगा ताकि आप रिकॉयल को और भी शोल्डर लेवल पे हैंडल कर पाओ। शोल्डर लेवल बोले तो, और यहाँ पे एक एक्सटेंडेड मैग भी है। शोल्डर लेवल बोले तो आप इसको, इसका एक टर्म है, वो टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो आप इसको, हाँ, हिप फायर के टाइम पे भी इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप अभी जैसे देख सकते हो मैं रिलोड किया तो मेरे पास हो गया 150 MOs। जी हाँ गाइस, 150 MO और आता है 75 विदाउट रिलोड से। तो बेसिकली मेरे को उतना मज़ा नहीं M249 में, स्प्रे दे पा रहा हूँ मैं, मतलब मेरे लिए तो ठीक है, मैं जायरो 400 में खेल रहा हूँ, मैं स्प्रे दे पा रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि जो लोग नॉर्मल प्लेयर है, जो M249 को रेगुलर नहीं यूज़ करते, उनके लिए ये रिकॉयल हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये बेसिकली M249 को ख़राब कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो ग्लाइडर का है। तो जैसे आपको दिख रहा है, इस बार ग्लाइडर के लिए आपको 3 फिंगर्स की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। बहुत ही डिफिकल्ट है इसको हैंडल करना और उसका फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। आपको मिनिमम 2-3 रखना है। तो सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में नीचे आपको जो अप बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हो जाएगा, तब फिर ग्लाइडर ऊपर करने वाला बटन दबाना है, उससे वो ग्लाइडर ऊपर जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको वो दोनों बटन दबा के रखना है, साथ में लेफ्ट और राइट भी यूज़ करना है। तो आपको 3 फिंगर्स मैंडेट है। विदाउट 3 फिंगर आप इसको उड़ाना बहुत दिक्कत होगा। आप जैसे देख सकते हो मेरे लिए ये हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है, और मैं कोई नूब प्लेयर नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा सही से खेलता हूँ। ड्राइविंग वाइविंग भी मेरे को आता ही है। PC वर्जन में बहुत ईजी से फ्लाइट लेता है, लेकिन यहाँ पर पहले इसको आपको स्पीड देना पड़ता है, और स्पीड देने के बाद फिर आपको जब 75 हो जाता है फिर आपको अप बटन दबाना पड़ता है, और जब अप बटन दबाओगे तो वो टेक ऑफ करेगा। लेकिन दिक्कत यही आ रही है कि वो ज़्यादा हाइट पे टेक ऑफ करने के बाद इसका फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो गाइस यही था आज के 2 अपडेट जो मैं सोच रहा था तुम लोग को दूँ और बताऊँ कि तुम लोग को अपडेटेड रखने, क्योंकि ये जो वर्जन आने वाला है ना, ये फरवरी महीने का जो अपना सीज़न 17 आने वाला है ना, सीज़न 17 के टाइम पर आने वाला है, ठीक है। तो गाइस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जाकर जरूर फॉरवर्ड करना। और मैं बता रहा हूँ, और भी C4 के ऊपर मैं पर्सनल टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसका वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।